पटना में जो सेक्रेटरी लोग हैं, ईडी का शिकंजा सब पर, प्रमोद कुमार कौन है जो रिटायर करके बैठे हुए हैं जिसको प्रमोशन दे दिया गया। यहाँ पटना में भी आईएएस लॉबी में जाति जाति का खेल हो रहा है। खाली आप दलित को गला रेपिएगा, दलित विरोधी बात करते रहिएगा। एक एक आईएएस पर है संजीव हंस, दलित था तो बलि का बकरा बना दिए, गलती था तो वो जानेंगे। इन दिनों पप्पू यादव पूरे तरीके से सरकार पर हमलावर बने हुए हैं, जहां पर वो एक से बढ़कर एक कई आरोप लगा रहे हैं। जी हां, बता दें कि संजीव हंस के मामले में लगातार ईडी कार्रवाई कर रही है, जिसको लेकर पप्पू यादव अब संजीव हंस के तरफ से बयान देते हुए दिखाई दे रहे हैं, यानी कहीं ना कहीं वो संजीव हंस के पक्ष में उतर गए हैं। यहाँ तक कि उन्होंने ये कह दिया है कि यहाँ पर बस दलित का गला रेतने की कोशिश की जाती है। ये बातें पप्पू यादव ने कही है और ये कहा है कि संजीव हंस को रणनीति के तहत फंसाया जा रहा है। जिस तरीके से लगातार एक के बाद एक कार्रवाइयां हो रही है, इससे साफ तौर पर पता चलता है कि महज दलित का बस गला ही रेता जा रहा है और दूसरे लोगों को जरा भी परेशान नहीं किया जा रहा। यानी कि पप्पू यादव पूरे तरीके से नाराज है, गुस्से में दिखाई दे रहे हैं। जब मीडिया ने उनसे ये तमाम सवाल किया तो उन्होंने किस तरीके से जवाब दिया है, सुनिए। पटना में जो सेक्रेटरी लोग हैं, ईडी का शिकंजा सब पर है, प्रमोद कुमार कौन है जो रिटायर करके बैठे हुए हैं जिसको प्रमोशन दे दिया गया? कौन दिया प्रमोशन? चीफ सेक्रेटरी बदलने की तैयारी 20-20 करोड़ रुपया लेकर के हो रही है, कौन कर रहा है? भैया डीजी यहाँ से क्यों जा रहे हैं? क्या कारण है? क्या सब कुछ अच्छा नहीं चल रहा है? यहाँ पटना में भी आईएएस लॉबी में जाति जाति का खेल हो रहा है, का है? संजीव हंस पर जब रेप का आरोप था, फिर भी सरकार उसको कुर्सी पर बनाए। भैया मुझको, मैं उस पर तो जाना ही नहीं चाहता हूँ। एक आदमी पर आरोप है, खाली आप दलित को गला रेपिएगा, दलित विरोधी बात करते रहिएगा। एक एक आईएएस पर है संजीव हंस, दलित था तो बलि का बकरा बना दिए, गलती था तो वो जानेंगे, जाने जो जाने जाता। लेकिन और आईएएस है ना भाई, कौन कौन आईएएस है? बुटको का 1100 करोड़ रुपया आया 1200 पटना में, वो पैसा कहाँ गया? 1000 करोड़ रुपया आया, वो पैसा कहाँ गया? ईडी आके बैठे हुए हैं। एक सीनियर आईएएस का बेटा का भी नाम आ रहा है आय से अधिक संपत्ति पर। भैया एक सीनियर आईएएस का बेटा ही नहीं, लगभग जो पटना में 20 सालों से सेक्रेटरी बैठे हुए हैं, सब लोग, कौन कौन बिजली बेचा है कलकत्ता के व्यापारियों से, हम सदन में सबको उठाने वाले हैं, आप सुनते जाइएगा। सर कह रहा है कि जब ईडी को जब छापेमारी हो रही तो जदयू नाराज है। भैया मैं कुछ नहीं जानता हूँ, जदयू नाराज है, कौन नाराज है? मैं इतना जानता हूँ ईडी का काम पीक एंड चूज है, जो तय दिल्ली में होता है वही होता है। चलिए सर, एक आईएएस को रेप के केस में फंसना, उसके बाद कुर्सी पर बनाए रखना कितना सही है सर?